हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार की जनता को पूरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लालू जी जेल में है तो लालू जी ने हमको भेजा कि जाओ छोटा लालू मेरे रूप में जाकर के पूरा बिहार की जनता को जागृत करो। हटाओ कब सरकार तो हर गलो है, अब चेंजिंग जरूरी है। हमारा पावर लाओ, गद्दी से झमोर कर के पावर दो, सरकार बनाना है। 15 साल से सुशासन बाबू से सारा लोग एकदम तबाह हो गया, अब चेंजिंग जरूरी है, बदलना जरूरी है। गद्दी से झमोर करके नीतीश कुमार पलटू राम जो पलटने वाली सरकार है इसको बिहार की जनता जान गई है। लालू को जब फैस नहीं कमजोर कर सका नहीं कौन होता है। पूरा बिहार के तेजस्वी जी बोले हैं बिहार के नौजवान को 10-10 लाख हम लोग नौकरी देंगे और बिहार के हर एक सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। इससे बिहार के युवा में उत्साह है। मोबाइल में निकाला मम्मी, बचवा सब ठगा गया मम्मी। अच्छा दी, अरे 15-15 लाख रुपया लड़ाई है रे भाई। ये बिहार के मैदान में, पूरे भारत में बिहार मैदान है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने रातों रात अल्टी मार के जन मानस का अपमानित किया। हर के मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं दिल्ली आई दिल्ली मिली दिल्ली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन बिहार का चेहरा माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव इस बार प्रचार से दूर हैं। जेल में होने की वजह से लालू यादव का ठेठ अंदाज जो है लोग उससे महरूम, वो देख नहीं पा रहे, उनके चुटीले भाषण लोग सुन नहीं पा रहे। लेकिन एक शख्स ऐसा जो खुद लालू बनकर लोगों के बीच घूम रहा है, ये है कृष्ण जो छोटा लालू के नाम से मशहूर है। छोटा लालू से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ निधिश्री। और बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जिस शख्स को सबसे ज्यादा मिस किया जा रहा है बिहार की राजनीति में वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में है, सजायाफ्ता है और सवाल ये है कि आखिर लालू होते तो किस तरह अपने बेटे के लिए दमखम से चुनाव लड़ते, लोगों के बीच जाते, लोगों से वोट मांगते। हमने सोचा एक दिन आपको मिस नहीं करने दे लालू प्रसाद यादव को, तो फिर इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन मैं बताती हूँ। मेरे साथ इस वक्त कृष्णा यादव हैं और कृष्णा को आपने टीवी पर कई बार देखा होगा लालू के अंदाज में और किस तरीके से ये पीएम मोदी, बीजेपी और विपक्ष पर चुटकुले कहते हैं और कटाक्ष भी करते हैं। कृष्णा, लालू यादव को जो लोग मिस कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो आप किस तरह बोलेंगे कि भाई आप चुनाव में आ गए हैं, थोड़ा जरा अपने अंदाज में बता सकते हैं? बिहार की जनता को पूरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लालू जी जेल में है तो लालू जी ने हमको भेजा कि जाओ छोटा लालू मेरे रूप में जाकर के पूरा बिहार की जनता को जागृत करो और तैयार करो और नीतीश की निकम्मी सरकार को भगाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी लाओ और युवा युवती को रोजगार लाओ। और बिहार की जनता को बोलना चाहते हैं कि एक लालू को जेल में बंद किया है, हजारों लालू घूम रहा है हमारे रूप में, लालू जी के रूप में, किस किस को बंद करोगे? बिहार की जनता मान ली है तेजस्वी यादव को नेता और बिहार में मुख्यमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी जो है वो इस बार थोड़े कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। एलजेपी बीजेपी में लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई एलजेपी अलग लड़ रही है चुनाव, तो आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? एलजेपी जान गई है कि नीतीश की नैया डूबने वाली है और बिहार की जनता मजबूती से यशस्वी तेजस्वी सरकार बनाने के लिए बिहार
एकदम पूरा जोश और जुनून में तैयार है, क्योंकि युवा युवती को चाहिए रोजगार है, इस बार तेजस्वी सरकार है। पलायन है, इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे भाई हमें युवा सरकार चाहिए, अगर तेजस्वी तो भाई यही कह कर जा रहे हैं ना जनता के बीच कि युवा सरकार लाओ। आप क्या कहेंगे, लालू यादव क्या कहते हैं? बिल्कुल, युवा सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के, तेजस्वी जी बोले हैं बिहार के नौजवान को 10-10 लाख हम लोग नौकरी देंगे और बिहार के हर एक सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। इससे बिहार के युवा में उत्साह है। मतलब लालटेन फिर जलाएंगे? लालटेन जल गया कि बाकी है, उन्हें उड़िया गया, तीर उर फूट फट गया। तब तो पूरा बिहार की जनता मन बना लिया 15 साल से सुशासन बाबू से, सारा लोग एकदम तबाह हो गया। अब चेंजिंग जरूरी है, बदलना जरूरी है, गद्दी से झमोर करके नीतीश कुमार पलटू राम जो पलटने वाली सरकार है इसको बिहार की जनता जान गई है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेता के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और LJP जो काम की है वो धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे LJP के लोग को। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लालू यादव भाई बाकी लोग नहीं है क्या RJD में? अरे नौजवान है तेजस्वी जी, बोलते हैं फराटेदार इंग्लिश, भले विपक्षी कुछ और बोले लेकिन फराटेदार इंग्लिश और फराटेदार हिंदी एक युवा को जोश जगाने वाले। आप कैसे जाए, आप अगर जाते हैं जनता के बीच में, अगर लालू प्रसाद यादव होते जनता के बीच जाते कि भाई मेरे बेटे को वोट दे दो, RJD को जिता दो, तो क्या बोलते आप लोगों के? लड़ाई है रे भाई, ये बिहार के मैदान में, पूरे भारत में बिहार मैदान है और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने रातों रात अल्टी मार के जन मानस का अपमानित किया, उसके खिलाफ में अभी हम लोग लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो युवा है और एक युवा जो है वो बिहार का भविष्य है और एक युवा ही युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है और आगे एक युवा को दिल की बातों का एक युवा ही समझता है। तो तेजस्वी जी हर एक मायने में युवा सम्राट है और युवा की बातों को बोलते हैं और सदन में मजबूती से रखने का काम करते हैं और नीतीश जी को धुरमुस करते हैं। उम्मीद है आपको कृष्णा का ये लालू अंदाज पसंद आया होगा, आप आगे भी कृष्णा को ABP न्यूज पर देख सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABP न्यूज। और बड़ी खबर एक बिहार से ये भी सामने आई कि BJP ने LJP का नाम लिए बगैर धमकी दी LJP को कि अगर कोई और प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश BJP अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया कि NDA से बाहर का कोई उम्मीदवार PM के चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले LJP ने कहा था कि PM पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे नीतीश कुमार, सुशील मोदी, उस वक्त भी सुशील मोदी की तरफ से साफ किया गया था कि अगर कोई इस चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी ताकि चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और अब BJP प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई PM के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर पार्टी उस पर FIR दर्ज कराएगी। बिहार BJP के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा PM मोदी उनके स्टार प्रचारकों में से एक है, इसीलिए कोई और उनके नाम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर 1 स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल NDA के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं, उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी FIR लॉन्च करेगी। वहीं बिहार में BJP के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो NDA से लड़ेगा वो हमारा है और जो नहीं लड़ेगा वो हमारा नहीं है। मतलब संदेश साफ LJP के लिए, साफ शब्दों में जो हमारे NDA गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो NDA गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। इसलिए जरूर एक बार ये प्रयास तो होता ही है कि उनको समझाए कि भाई गलती मत करिए, लेकिन जो गलती करते हैं
उनको मैं नहीं मानता कि हम लोग स्पेयर कर सकेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आज बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसे 11 सीट देने का ऐलान किया। माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। और बड़ी खबर एक बिहार से यह भी सामने आई कि बीजेपी ने एलजेपी का नाम लिए बगैर धमकी दी एलजेपी को कि अगर कोई और प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ किया कि एनडीए से बाहर का कोई उम्मीदवार पीएम के चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे पहले एलजेपी ने कहा था कि पीएम पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे नीतीश कुमार, सुशील मोदी, उस वक्त भी सुशील मोदी की तरफ से साफ किया गया था कि अगर कोई इस चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी ताकि चुनाव आयोग कार्रवाई करे। और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई पीएम के चेहरे का इस्तेमाल करेगा तो फिर पार्टी उस पर एफआईआर दर्ज कराएगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा पीएम मोदी उनके स्टार प्रचारकों में से एक है, इसीलिए कोई और उनके नाम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर वन स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं और वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं। उसके बाहर अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करेगी। वहीं बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो एनडीए से लड़ेगा वो हमारा है और जो नहीं लड़ेगा वो हमारा नहीं है। मतलब संदेश साफ एलजेपी के लिए। साफ शब्दों में जो हमारे एनडीए गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। इसलिए जरूर एक बार ये प्रयास तो होता ही है कि उनको समझाए कि भाई गलती मत करिए, लेकिन जो गलती करते हैं उनको मैं नहीं मानता कि हम लोग स्पेयर कर सकेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आज बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उसे 11 सीट देने का ऐलान किया। माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। तो मांझी की पार्टी को जेडीयू ने अपने कोटे में से 7 सीट दी और आज बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया जो वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीट दी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहा है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ऑयली कुकिंग के बाद भी इतना क्लीन रोज साफ करती हो ना? साफ मैं नहीं, मेरी हिंद। सूखा हो या बाढ़, चुनाव के लिए हर पल बिहार है तैयार। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री रोज शाम 6:30 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रिया चक्रवर्ती सलाखों से बाहर होंगी। बायकला जेल में रिया चक्रवर्ती इस वक्त हैं। 8 सितंबर को गिरफ्तार एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद लगातार रिया चक्रवर्ती की तरफ से जमानत की कोशिशें की गईं। 2 बार निचली अदालत, 1 बार बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने के बाद
सीधे आपको लेकर चलते हैं, भाईकला जेल के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण जैन और जानते हैं वरुण जैन से कब तक भाईकला जेल से बाहर आएंगी रिया चक्रवर्ती। वरुण देखिए बिल्कुल माना जो जेल के बाहर जो हलचल है वो तेज है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, जो मुंबई पुलिस है उसकी तरफ से भी फोर्स लगाई गई है। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं तस्वीरों में किस तरीके से जो जेल के गेट है उसको बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया है। जो रिया के वकील है वो अब से करीब 15 मिनट पहले जो रिलीज ऑर्डर है उसको लेकर भाईकला जेल पहुंच चुके हैं, यानी इस बात की संभावना है कि 5 से 10 मिनट के अंदर भी रिया बाहर आ सकती है, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज है वो अंदर चल रही है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय रिलीज ऑर्डर की जेल तक पहुंचने में लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब बेल का ऑर्डर दिया वो ऑर्डर पहले सेशन कोर्ट पहुंचा, वहां पे बेल बॉन्ड भरे गए, बेल बॉन्ड भरने के बाद जो दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद रिलीज ऑर्डर इश्यू हुए, तो वो अब जो ऑर्डर है रिलीज ऑर्डर वो जेल पहुंच चुके हैं और कभी भी किसी भी क्षण जो रिया है वो जेल से बाहर आ सकती है, क्योंकि 15 मिनट मेरे साथ आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि वरुण जैन ही हमें सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे जब भाईकला जेल से बाहर आते हुए रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के वकील इस वक्त भाईकला जेल के भीतर पहुंच चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और किसी भी पल रिया चक्रवर्ती भाईकला जेल से बाहर आ सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत आज सुबह मिल गई थी।